जुल्फकार भाई, क्या हाल है? ठीक हैं? ये जितने दिन उसे सैफ रहमान साहब जेल में गए हैं, तो आज तक आपने सैफ रहमान साहब की आवाज़ सुनी थी? नहीं ना? तो आज गए हैं, उनके जबानी आप लोगों तक पैगाम भी पहुंचवा दिया है। तो इससे बढ़ के अभी आपको खुशी की खबर और क्या सुनाएं? सैफ रहमान का वॉइस करना इस बात का सबूत है कि इंशाल्लाह मामला बहुत बेहतरी की तरफ जा चुके हैं। जहाँ इतना सारा सब्र किया जिस तरह सैफ रहमान साहब कह रहे हैं, वहाँ ये वाला महीना सब्र करना पड़ेगा। ये वाला महीना भी एहतियातन एक अच्छा खासा टाइम बता के बताया जा रहा है, ताकि वक्त से पहले कोई ऐसी डेट या ऐसा टाइम ना बताएं कि उस डेट से अगर एक दो दिन ऊपर हों तो फिर आप लोग मैसेज या कॉल्स करें। और हमने लगातार सफ़र किया है, आपको भी बताया, रात भी लेट नाइट जो है वो मलिक नवीद साहब के पास रहे हैं, मीटिंग थी, उसके बाद फिर सुबह जल्दी उठ के तकरीबन वहाँ गए हैं नैब कोर्ट में। तो वहाँ साहब ज़रा वेट करना पड़ता है, वो कोई ससुराल तो नहीं है जहाँ आप जाएंगे तो आपके लिए खाने भी बने होंगे और आपके लिए बिस्तर भी लगा होगा। तो वहाँ तो एक एक सिक्योरिटी गार्ड की भी सुननी पड़ती है। तो फिर मुलाकात भी अलहमदिल्ला सैफ रहमान साहब के साथ अच्छी खासी हुई है, और इंशाल्लाह उनके फेस एक्सप्रेशन से और उनके बात करने के अंदाज़ से और उनके चेहरे के तासरात से 1000% से भी ज़्यादा मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा चुके हैं और जा रहे हैं। और इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह कभी भी आप लोगों को जो नुकसान होना था वो हो गया है। नुकसान ये हुआ कि आप लोगों को प्रॉफिट अब तक नहीं मिला, लोग आप लोगों के ख़िलाफ़ भी हुए, हमारे भी हुए, लोगों ने बुरा भला भी कहा, लेकिन कब तक? ठीक है, हमेशा मुश्किल के साथ आसानी होती है, और इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है। ठीक है, अगर एक झूठ को 1000 बंदा मिलकर भी सच करने की कोशिश करे तो वो झूठ ही रहता है। इसी तरह सच है, सच सच होता है, उसको 10,000 नए प्रोसिक्यूटर आकर भी कहे ना कि ये झूठ है तो वो झूठ नहीं हो सकता है, उसने एक ना एक दिन साबित होना है। तो इंशाल्लाह उस दिन का हमें इंतज़ार है, आप सबको इंतज़ार है, और खुशी की खबर ये है कि वो दिन दूर नहीं है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह नया साल जो है, आने वाला साल, वो आप सबके लिए खुशियों का साल होगा, जिस तरह आप लोगों के लिए 2020 गुजरा और 21 का स्टार्ट था, तो इंशाल्लाह 22 का स्टार्ट जो है वो खुशियों का साल होगा। और अब जो खुशियां आप लोगों की शुरू होंगी वो इंशाल्लाह देर पा होंगी और कभी ना ख़त्म होने वाली होंगी इंशाल्लाह।